ये भंडारी साहब, he was in my same class. अगर आपको केस हारना हो तो इनको लीजिए, as वकील है अभी. उस टाइम दो 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 रुपए का पॉकेट मनी मिलता था और वी वर अलाउड टू गो. एक छोटा सा टाउन था कसौली जी, तो वहाँ पे हम जाते थे और दो रुपए मिलके हम पिक्चर विक्चर देखते थे. मगर हम कहीं और, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कसौली हम कहीं और चले जाते थे. जैसे धर्मपुर चले गए, वहाँ पे वो हिल्स पे भुट्टे ग्रो करते थे, तो वो हम भुट्टे वुट्टे तोड़ तोड़ के वापस आ जाते थे. और दो रुपए खर्च भी नहीं होता था. दो रुपए खर्च नहीं होते थे. और इनवेरिएबली एक इनके हाउस मास्टर होते थे मिस्टर जोशी, हर टाइम हमको पकड़ लेते थे. और वो आई थिंक हमारे भुट्टे मारकर फिर बाद में फिर हमारे लिए पका भी देते थे कई बार. जोशी साहब, जोशी साहब, आपके आपके उस जमाने की एक दोस्त जो है आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार है. हाय संजय, आई वांटेड टू रिमाइंड यू ऑफ दैट टाइम इन लोअर फोर इन द कॉरिडोर व्हेन आई वाज हैविंग अ फाइट विद दीपी धारीवाल एंड आई थिंक आई स्लैप्ड हिम. And then he said to me, Dainita Singh, I'll lend you such a one. All your teeth will come out in height odor. Do you remember? And these were the kind of guys you were matchmaking for me with. I mean, you know, then there was Dhaka and there was baggage. All you guys peeping into Miss Oswald's bathroom at Renuka Lake. And then baggage put his hand in and you all got caught. And of course, you got the biggest firing. And you made me, I suspect, your Rakhi sister-in-law for just because you were line-marrowing Meera Khurana. I think it was her. Now, I don't know which girlfriend. I played a role in every girlfriend of yours. But all I got from you was a 2-rupee note all through my time in Sanar. And that was 20, more than 20 years. And I haven't got anything more from you, Sanjay. You know, you're a big star now. I'm so proud of you. So it would be so nice if I could get a great, great big present this Rakhi. उनके लिए खुशखबरी यह है कि अब हिंदुस्तान की सरकार ने 2 रुपए का नोट बनाना बंद कर दिया. हम कुछ और देखते हैं. हाय दत्त. अरे क्या हाल है? ये तुम्हें इस कसौली में शर्मा स्टूडियो तो याद होगा. शर्मा जी. जी, मुझे खास याद है कि वो अपनी उनकी माताजी उनके बहुत ध्यान रखती थी और उनकी स्कूल की जितनी एक्टिविटीज़ होती थी हाउस शो या कांग्रेस वगैरह में तो उसे वो खुद अटेंड करती थी. दत्त आओ, अब तुम्हारे दूसरे ठिकानों पे भी चलते हैं. हाँ भी, क्या हाल है? और दत्त, अब हम आ गए हैं पान की दुकान पर. तुम्हें तो याद होगा यहाँ हम हर संडे आया करते थे. आज पान वाला यहाँ नहीं है पर उसके बच्चे खड़े हैं पीछे. और पिछली बार जब तुम आए थे तो तुम्हारी तो इन्होंने फ़ोटो भी लगा रखी है जिसकी वजह से बहुत मशहूर हो गई है दुकान अब. दत्त, ये दुकान तो तुम पहचानते ही होगे, बंद समोसे वाली दुकान जहाँ हमें अपने ज़माने के पिज्ज़ा मिलते थे और आठ आने में कितना मज़ा आता था. दो बंद समोसे बनाना. भाई दत्त, आपकी स्कूल की दास्तान अभी पूरी नहीं हुई है. प्लीज तशरीफ लाएं मिस्टर जोशी. जोशी साहब, ये क्या है? ये इसके हाउस का. थैंक यू सर. कुछ संजय का हमने सुना है कि ये कॉल है, ये दावा है कि उनकी स्कूल करियर में बहुत बड़ा रोल जोशी साहब का है. इससे ज़्यादा अगर कुछ डिटेल्स हो तो संजय खुद बताएं. सर वाज हम लोग के मास्टर थे सॉलिक हाउस के और बहुत ख्याल करते थे हम सबका. पिटाई भी बहुत करते थे लेकिन लेकिन ख्याल बहुत करते थे सर. सर सर आपको कुछ याद होगा संजय के कोचिंग का एक किस्सा था. जी 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 जी. हम ट्रेकिंग पे हाइकिंग पे थे. रेणुका एक गेट है, रेणुका लेक, तो वो रिलीजियस लेक है, उसमें बड़ी बड़ी मच्छियाँ हैं वहाँ से. अच्छा. तो पास ही में गिरी नदी है जी, वो हम पकड़ते थे. मैं दिन में सोया हुआ था, ये आए कि सर हम मच्छी मारने जा रहे हैं. मैं कहा शाम को मेरे साथ चलना कि नहीं जी, हम तो अभी जाएंगे, अपनी रील दे दो. मैं कहा थैले में वो निकाल लो, तो थैले से रील भी ले गए
अरे मेरा मच्छी काटने का छुरा भी ले गया। अच्छा मैं तो सो गया, तब तक फॉरेस्ट वाले आए, उस गेम गार्ड के साहब वहाँ पे आपके बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, तो उनसे पहले उसमें जैसे वो पहुँचे तब तक ये भी दौड़ते हुए आ गए। एक लड़का था उसका नाम हमने क्या था, क्ले, क्ले सर, हाँ कि क्ले ने वहाँ क्ले इज कॉट वाइल कोचिंग। क्ले आया, मैंने छड़ी उठाई चार लगा दी, तब तो वो गेम गार्ड वाले थे, उन्होंने कहा नहीं सर नहीं ये है, हमने चार इनको भी लगा दी। अच्छा फिर शाम को बैठे सर, इनको भी लगाई थी सर, बैठे ये बाली भी थे साथ में, इनकी लगी। खैर उसके बाद हम दूसरे दिन ठीक ठाक हुए, तब तक सब मालूम हुआ इनकी बड़ी बड़ी मच्छियाँ पकड़ी हुई हैं, ओ इन्होंने खाई फेंकी नहीं, हमने सब खा ली। हम अभी इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। यहाँ पर है परिक्रमा, आप लोग एक स्पेशल सॉन्ग परफॉर्म करने वाले हैं, वो कौन सा है? अभी गाते हैं, सुनाते हैं। सरप्राइज यार, सरप्राइज मैन। एक और गाना संजू बाबा का, इनके लिए डेडिकेट करते हैं। नायक नहीं खलनायक है ये। इसी का नाम है, मैं हम बातें कर रहे हैं संजय दत्त से। अभी किसी ने बताया कि संजय जब स्कूल में थे तो म्यूजिक विजिक का बहुत शौक था और बीटल्स का उस जमाने में बड़ा जोर था, उसकी एक झलक पहले देख लेते हैं। ये इनकी स्कूल का बैंड है, जरा गौर कीजिएगा, एक 6.5 फुट लंबे जो एक बैंड प्लेयर चले जा रहे हैं पीछे। आप लोगों को उस जमाने की कोई चीजें याद है? ये बैंड से स्कूल ही में बजता था या घर ही में, घर कुछ रिहर्सल वेसल होती? मम्मा हैड बॉट अ ड्रम सेट। हां ड्रम सेट था, कुछ गिटार भी था। वी यूज्ड टू बी, इट वाज लाइक अ अलार्म, बिकॉज़ भैया एक ही ट्यून बजाते थे, दैट वाज द स्कूल बैंड। इसका गिटार के 71 वॉर में जब बांग्लादेश हम गए एंटरटेन करने के लिए, तो हमारे साथ लता जी इतनी बड़ी सिंगर, तो इसने बड़ा इंसिस्ट किया, इसने कहा कि मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा तुम जा नहीं सकते हो क्योंकि उसमें सब कलाकार जा रहे हैं, ये स्कूल से आया था छुट्टियों में, तो तुम्हें कुछ ना कुछ प्ले करना पड़ेगा। तो इसने कहा जी मैं बांगो बजाऊंगा। तो हम इसको ले गए, तो अब लता जी जब आई स्टेज के ऊपर गाने के लिए तो सारे म्यूजिशंस थे, तो इसने ये गाते गाते रुक गई क्योंकि बांगो जो गलत बज रहा था। अब लता जी ने जब मुड़ के देखा तो गुस्सा तो उनको आया, बट जब उन्होंने संजय दत्त को देखा बाबू बजा रहा है, तो उन्होंने कहा बजाते जाओ बजाते जाए। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक ही इंसान ऐसा होगा जो लता जी को गाते गाते रोक सके। एक राउंड तालियों का भी बाकी है क्योंकि सबकी दरखास्त ये आई है, संजय खुद जो है ड्रम्स पे थोड़ा सा अपना चमत्कार। मुझे ड्रम्स बजाना नहीं आता, वो स्कूल का जो है वो चक्कर। तो स्कूल का ही बजा दीजिए, वो स्कूल का ही बजा दीजिए। How's that? जैसे जैसे मतलब स्कूल के दिन आगे बढ़ते गए, संजय अपनी जवानी के दिनों की तरफ पहुंच रहे थे, और कॉलेज में भी थोड़ा बहुत दखल इनका रहा, लेकिन फौरन ही जो है एक्टिंग का जादू जो है इनके सर चढ़ के बोल रहा था, तो ये फिल्मों की दुनिया में तशरीफ ला रहे थे। मैं संजय से पूछता हूँ, संजय आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? रेशमा से। नौजवान
सवाल किया, आलाप का कोई जवाब नहीं। ये छुट्टियों में आया हुआ था, मेरी शूटिंग चल रही थी, मैं वो स्टूडियो में, तो ये कवाली का सीन हम ले रहे थे, तो एक कोने में खड़ा हुआ ताली बजा रहा था, तो मैंने कहा कि तुम्हें करनी है एक्टिंग करनी है, तुम्हें कहता हाँ, तो हमने कहा आ जाओ फिर, तुम आ जाओ फिर। मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से इसके अंदर वो शौक पैदा हुआ। एल्फिंस्टन कॉलेज में हमने इसको डाला था। जी जी जी। तो वहाँ क्या हुआ कि टीचर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए, तो एक दिन ये अपने घर पे आए और अपनी माँ से कहने लगे कि मुझे एक्टर बनना है। तो मैंने कहा कि तुम्हें फिर पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो तैयार हो गया। तो 1.5 साल तक हमने इसको खूब रगड़ा जी। तो हमारे सिंगल साहब हैं, एक अच्छे फोटोग्राफर हैं सिंगल साहब, जी जी, तो उनसे मैंने कहा कि एक 1.5 ईयर के स्पैन में इसकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी फ़ोटोग्राफ आप लीजिए। तो फिर हमने महबूब स्टूडियो में इसकी महारत की थी, तो हमने सारे फोटोग्राफ एनलार्ज करके वहाँ लगाए थे। तो दिलीप कुमार साहब और सब वहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो गैलरी से, फोटोग्राफ की गैलरी से निकल के जब जहाँ महारत थी वहाँ जब आए वो, तो मुझे कहते हैं कि अब तो महारत शॉट देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने देख लिया संजय दत्त को, ही इज़ अ स्टार।